नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स मूवी एक्सप्लेन को। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ हथियारबंद आदमी दिखाई दिए जाते हैं। इनके कपड़ों से ऐसा लगता है कि ये करीबन 800 से 900 साल पहले का समय होगा। वो सभी लोग एक बड़े से पेड़ में रहने वाली विच क्वीन को मारने आए थे, क्योंकि उसने ब्लैक प्लेग फैलाया था पूरी दुनिया में, जिससे कि बहुत सारे लोग मरे। प्राचीन दंत कथाओं में ऐसा कहा गया है कि कुछ लोग के पास ऐसी ताकतें होती थी जिससे वो मन मर्जी किसी भी चीज को गायब या मार सकते थे। ये सभी लोग उस क्वीन को मारने के लिए पेड़ की चढ़ाई करते हैं। उस क्वीन के लोग उन सभी को मारने लगते हैं, लेकिन ये सभी प्रोफेशनल लड़ाकू उन सभी को हरा कर क्वीन का पीछा करते हैं। उसी समय कोल्डर, जिसने अपनी बेटी खो दी थी विच क्वीन के कारण, उसे वो वहाँ पे दिखाई दी जाती है। कोल्डर को ज़्यादा समय नहीं लगता ये विच क्वीन की इस जाल को समझने में। फिर कोलर और विच क्वीन की फाइट होने के बाद विच क्वीन को अपने एक्स से एक पेड़ में फंसा के वो उसे मारने जाता है। विच क्वीन को पता होता है कि कोल्डर को अपने परिवार से प्यार था, लेकिन उसका परिवार खत्म होने से उसका सिर्फ एक लक्ष्य था, विच क्वीन का खात्मा, और उसके साथ वो भी मरने वाला होता है। लेकिन विच क्वीन चालाकी दिखाते हुए उसे ना मरने का श्राप देती है, जिससे वो सालों साल उसी दुनिया में रहे। विच क्वीन के मरने के बाद फिल्म 800 साल बाद के समय को दिखाती है, जहां कोल्डर एक प्लेन में सवार था। उसे पता चलता है कि प्लेन में एक विच है जिसके पास एंशियन रून था, जिससे वातावरण को काबू किया जा सकता है। लेकिन वो विच को ये पता ही नहीं था कि ये क्या है। वो ऐसे ही उसे अपने बैग में लेकर घूम रही थी। फिर वो उस चीज को अपने तंत्र मंत्र के औजारों से डिफ्यूज करता है और उस विच को भी छोड़ देता है। फिर हमें इस दुनिया का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि विचेस इस दुनिया में अब भी है। सिर्फ उन्हें एक रूल को फॉलो करना है, किसी इंसान को ना मारने का। पर ये समझौता से भी कुछ विचेस सहमत नहीं थे। वो अपनी जिंदगी विच क्वीन के डार्क डे की तरह जीना चाहते। तो कोल्डर इस दुनिया में इन विचेस से डील करता है। कोल्डर अभी एक्स एंड क्रॉस के लिए काम करता है। वो पूरी दुनिया में शांति बनाए रखता है विच काउंसिल के साथ। फिर हमें 36 डोलन दिखाई दिए जाते हैं, जो कि एक्स एंड क्रॉस के लिए काम करते हैं, जो कि कोल्डर की हिस्ट्री लिखते हैं। अब 36 डोलन का रिटायरमेंट का समय, तो कोल्डर जो कि 36 डोलन के साथ 50 साल से था, उसे एक यूनिक पेन देता है रिटायरमेंट गिफ्ट की तरह। उसी रात को 36 डोलन की मौत की खबर कोल्डर को मिलती है। उसके बाद 36 डोलन की अंतिम सेरेमनी के बाद 37 डोलन को एक्स एंड क्रॉस अपॉइंट करते हैं। पहली बार 37 डोलन और कोल्डर की बात होती है। कोल्डर को शक था 36 डोलन नेचुरली नहीं मरे। हमें पता चलता है कि विच का मैजिक चार एलिमेंट से आता है, फायर, वाटर, अर्थ, एयर। और फिर कोल्डर 36 डोलन के घर जाकर अपने मैजिक पोशन से इन्वेस्टिगेट करता है, तब उसे पता चलता है कि उसे ब्लैक मैजिक से मारा गया था। लेकिन 36 डोलन ने कोल्डर के लिए एक पहेली रखी थी, लेकिन उस पहेली में क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर कोल्डर का शक जाता है 37 डोलन पर, क्योंकि वो पिछली रात 36 डोलन के पास आया था। पर 37 डोलन, जो कि कोल्डर से पहले भी मिल चुका था अपने बचपन में, कोल्डर ने उसकी जान बचाई थी विचेस से, इससे वो कोल्डर को कन्विंस कर लेता है। फिर वो दोनों एक बेकरी जाते हैं। वो बेकरी विचेस चलाती थी। वो दोनों मैक्स से मिलने आए। कोल्डर उसे 36 डोलन के यहाँ पर मिला हुआ एक फूल दिखाते हैं और मैक्स बताता है कि ग्रिफिन हेनबर्न ये बहुत ही रेयर और फॉरबिडन है था, जो कि ब्लैक मैजिक में यूज
किया जाता है। वो उन्हें बताता है कि उसे एक आदमी मिलने आया था। क्योंकि मैक्स देख नहीं सकता तो वो उस आदमी का स्मेल बताता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक बच्चा दिखाया दिया जाता है जिसे एक चॉकलेट ट्री मिला था, लेकिन वो सभी भ्रम था जो कि विचेस ने बनाया। फिर बिल्डिंग में उसे एक बच्ची मिलती है, लेकिन वो एक विच था। होल्डर उसे हैंडल कर अपने दिए हुए पेन उसके बिल्डिंग से मिलने के बाद होल्डर को कंफर्म होता है उसी ने 36 डोनल को मारा था। होल्डर फिर एलिक को विच काउंसिल ले जाता है और विच काउंसिल के सामने एलिक अपना गुना कबूल करता है। फिर कोल्डर को एक मक्खी मिलती है जो कि एक प्लेग का कीड़ा होता है 13th century का। वो 36 डोनल के बॉडी को जांचने के बाद उन्हें पता चलता है कि 36 डोनल जिंदा है, लेकिन उन पर जादू किया गया था और वो जादू तभी टूटेगा जब वो एलिक के बॉस को मारेंगे, क्योंकि ये जादू उसने ही किया था 36 डोनल पर ताकि उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन क्या थी ये हमें मूवी के आगे पता चलेगा। जब कोल्डर 36 डोनल की पहेली को सुलझाता है तब उसे पता चलता है कि 36 डोनल ने कहा है कि रिमेम्बर योर डेथ, अपनी मौत को याद करो। फिर कोल्डर अपनी मौत को जानने के लिए एक मैजिकल बार में जाता है। वहां हमें पता चलता है कि कोल्डर का कितना बड़ी दहशत थी विचेस के वर्ल्ड में। वो यहां पर आया था मेमोरी पोर्शन के लिए, तो वो चोली से डील करता है। चोली उसके लिए मेमोरी पोर्शन बनाती है। फिर कोल्डर अपने मेमोरी में जाता है उसी क्वीन ट्री के पास, लेकिन उसे कुछ मालूम पड़े उसके पहले ही बेलियाल उसे उस पोर्शन के बीच आकर उसे मारने लगता है और उस बार को भी जला देता है और वहां से भाग निकलता है। ये वही था जिसने 36 डोलन को श्राप दिया। बेलियाल नहीं चाहता था कि कोल्डर अपनी मौत को याद करे, लेकिन चोली अपसेट होकर वहां से निकल जाती है क्योंकि बेलियाल ने उसका बार जलाया था जिसका मेन रीजन था कोल्डर। लेकिन बेलियाल चोली के घर जाके उसके घर में रखे हुए मेमोरी पोशन के फ्लावर को खत्म कर देता है और चोली एक डरावने विजन के साथ कोल्डर के घर में जगती है। चोली बताती है कि मेमोरी पोशन के लिए स्नोडेनिया हॉकवीड की उसे जरूरत पड़ेगी। ये उसके फ्रेंड के पास होते हैं। लेकिन जब ये दोनों उसके फ्रेंड के पास जाते हैं तब तक बेलियाल ने उसे मार दिया था। वो दोनों फिर एक फैशन शो वाली जगह जाते हैं जहां विचेस ये फैशन शो रन कर रही थी। वो दोनों फिर उनके बॉस के पास जाते हैं, लेकिन उस बॉस ने धोखे से कोल्डर को अपने वश में कर उसे अपने मेमोरी में डाल दिया था। लेकिन चोली को ये पता चलने के बाद चोली अपने पावर से कोल्डर के ड्रीम में जाती है, क्योंकि वो एक ड्रीम वॉकर थी तो वो दूसरे के ड्रीम में जा सकती। फिर वो दोनों वहां से बच निकलते हैं और फिर सीन शिप होता है और हमें मैक्स दिखाता है। बेलियाल ने मैक्स को अपने पास कैद कर लिया था, आखिर क्यों ये हमें बाद में पता चलेगा। कोल्डर चोली को बताता है कि ड्रीम वॉकर के पास मेमोरी पोर्शन से भी ज़्यादा ताकत होती है, तो फिर चोली कोल्डर को अपने मौत याद करने में मदद करती है। फिर ये दोनों कोल्डर के दिमाग में जाते हैं उस समय जब कोल्डर क्वीन टावर में विच क्वीन से लड़ा था और जहां विच क्वीन मरी थी। फिर उन्हें पता चलता है कि डोलन द फर्स्ट ने क्वीन का हार्ट खत्म नहीं किया था। विच क्वीन ने चालाकी तो दिखाई थी, लेकिन जब विच क्वीन ने कोल्डर से अपनी शक्तियां एक्सचेंज की थी ताकि वो दोबारा जिंदा हो सके उसकी वजह से, लेकिन डोलन द फर्स्ट को लगा कि कोल्डर की अमरता से वो युगो युगो तक इंसानों की रक्षा कर सकेगा। यही वो बात थी जो सभी 37 डोलन ने छुपा कर रखी थी कोल्डर से, इसीलिए 36 डोलन को मारने की कोशिश की, क्योंकि सिर्फ उन्हें ही पता था कि विच का हार्ट कहाँ है और बेलियाल को वो पता चल गया था। इसीलिए बेलियाल ने मैक्स को कैद किया था, क्योंकि
विच क्वीन उसके ही शरीर से जिंदा होगी उस हार्ट की वजह से। ये बात कोलर को पता चलने पर वो बहुत नाराज होता है और वो बरस पड़ता है 37 डोलन पर। और दूसरी तरफ बेलियाल ने क्वीन को जिंदा कर दिया। कोल्डर उस जगह पहुंचने पर बेलियाल अपने शेप शिफ्टिंग एबिलिटी से उसे मारने का ट्राई करता है, लेकिन उसमें वो खुद मारा जाता है। लेकिन विच क्वीन कोल्डर के पास आकर उसे दी गई सभी शक्तियां, या कहो इमोर्टल की शक्ति उससे ले लेती है और कोल्डर फिर से एक आम आदमी बन जाता है। क्वीन वहां से निकल जाती है क्योंकि अब बेलियाल नहीं रहा तो 36 डोलन अभी जिंदा थे। कोल्डर डोलन को कहता है कि विच क्वीन रिहा हो गई और वो फिर से प्लेग लाएगी प्रिजन के कैदियों के मदद। तो फिर डोलन के हौसला दिलाने के बाद कोल्डर निकलता है विच प्रिजन की तरफ चोली और 37 डोलन के साथ, और वो देखता है कि प्लेग ट्री ग्रो कर रहे थे चर्च में और विच प्रिजन में विच काउंसिल को भी मार दिया। वो प्रिजन में आने के बाद उन्हें पता चलता है कि क्वीन सभी को कैद कर उनके हेल्प से एक ताकतवर मैजिक बना रही है उस प्लेग ट्री के लिए। कोल्डर अपने शॉट से उस प्रिजन की दीवार तोड़कर एलिक को बाहर निकालता है। वो वही था जिसे कोल्डर ने स्टार्टिंग में पकड़ा था। फिर चोली अपने पावर से एलिक के मन में जाती है क्योंकि वो सभी प्रिजनर आपस में कनेक्ट थे मन में, तो किसी को भी मन में मारा तो वो स्पेल टूट जाएगा। चोली एलिक के ड्रीम में जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि सेंटिनन जो कि प्रिजन का रखवाला था और वो तब तक वहां से नहीं जाएगा जब तक एलिक को वो कैद ना करे। कोल्डर उसका डटकर सामना करता है और फिर उसे अपने शॉट से मार डालता है। चोली एलिक के मन में जाकर वो एलिक को मार डालती है जिससे वो स्पेल टूट जाता है। और दूसरी तरफ कोल्डर विच क्वीन से डट लड़ रहा था पर विच क्वीन अपने पावर से उस पर भारी पड़ रही थी। लेकिन कोल्डर ने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई। वो अपने पास से एक लिक्विड निकालता है और उस लिक्विड की बॉटल को तोड़ने पर बहुत सी रोशनी होती है। उससे विच क्वीन का ध्यान बटने पर कोल्डर उसे अपनी तलवार की नोक पर लेता है, लेकिन 37 डोलन ये चोली को अपने गन पॉइंट पर लाता है और कोल्डर को कहता है कि बचपन में उसने जिस विचेस को मारा था वो उसके माँ बाप थे, तो 37 डोलन भी एक विच था खून से, लेकिन उसमें जादुई शक्तियां नहीं थी। और 37 डोलन कोल्डर को शूट कर देता है और चोली जो कि ड्रीम वॉकर थी उसे अपने सपने में कैद कर उसे भी स्पेल पढ़ाने लगती है ताकि विच क्वीन का काम पूरा हो सके। और स्पेल पूरा होने के बाद कीड़े चर्च से निकलकर दुनिया पर अटैक कर रहे थे। विच क्वीन 37 डोनल को मार देती है क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं था। फिर कोल्डर जैसे तैसे हो उठकर क्वीन को मार डालता है। क्वीन मरने के बाद कोल्डर को भी उसके अमरता की पावर वापस मिल जाती है। जब कोल्डर क्वीन के हार्ट को मारने जाता है तब चोली उसे बताती है कि जब क्वीन ने उसे वश में किया था तब उसने क्वीन से भी बदतर शैतान देखे हैं और वो सभी इंतजार कर रहे हैं कोल्डर के मरने का, तो कोल्डर रुक जाता है। वही घिसी पिटी लाइन, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हमें पता चलता है कि कोल्डर ने एक्स एंड क्रॉस को छोड़ दिया और क्वीन का हार्ट ने पास ही रखा था, उसने एक्स एंड क्रॉस को वो सबमिट नहीं किया। और फिर कोल्डर चोली के साथ नए सफर पर निकल जाता है। थैंक यू, आशा है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।